उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बलिया के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया, साथ ही महिला अस्पताल का जायजा भी लिया। लेकिन इस दौरान उन्हें जिला अस्पताल में कई कमियां मिली। इससे नाराज दयाशंकर ने सीएमओ और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जिसका भी 3 साल से ऊपर हो चुका है उसका पटल चेंज होगा। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं कि पटल चेंज हो, लेकिन बलिया में ऐसा नहीं हुआ है। मुझे बार बार शिकायत आती है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जमे हुए हैं। ऊपर का है उसका पटल वो नहीं रहेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है, और जो नहीं कंप्लायंस करेगा वो न पे। और भी किया हम लोग भी कर रहे हैं, अपने विभाग में कर रहे हैं, आपके यहाँ भी आ गया होगा उसका जो कॉपी आई हो। सख्ती से उसको पानी, सख्ती से एक आदमी ना जो 3 साल से उसका ऊपर हो गया है उसका पटल चेंज हो, कोई भी किसी किसी पारिश में मान किसी की। हम भाजपा के लोग जिला बच्चे बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, सांसद जी बैठे, कोई किसी की नहीं माने, सबका पटल चेंज है। अजय भाजपा को नहीं मानिए तो दूसरे को मानने की क्या बात है, क्योंकि ये नहीं किया जाएगा तो ये यहाँ की मोनोपोली नहीं टूटने वाली। और वो तो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई पटल चेंज होना चाहिए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब का मैंने सख्त निर्देश, लेकिन बलिया में नहीं हुआ है। जो मुझे शिकायत आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उसी पर कर रहे हैं, यहाँ तो बर्खास्त होने के बाद भी आ जा रहे हैं। एक बार हम लोग डिप्टी सीएम साहब को बुलाएं, और हम लोग आपके पूरे हम लोग आपको सहयोग करेंगे भाई, जो सरकार स्तर पर है उसको भी सहयोग करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग निधि फिधि की भी कहीं आपको आकस्मिक जरूरत है उसका भी उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता का पैसा जनता में लगे हो, कोई उसका वो नहीं, लेकिन कुछ बलिया में परिवर्तन दिखना चाहिए कि पहले से बेहतर चीजें हो रही हैं। जो परेशानियां वो भी हम लोग जान रहे हैं, उसका भी वही निदान आज जैसे बताया गया स्टाफ की कमी है, सब चीजें उसके लिए आप लोग लिख के दीजिए, कॉपी हमारे में भेजिए। मैं आपके स्थानीय विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो मैं रोज मंत्री लोग के साथ बैठक होती है, बाजिए आज 6 बजे के बाद हमारी बैठक है उन लोगों के साथ, तो मैं उनसे कहता रहूँगा कि भाई ये बलिया तो नहीं हुआ, क्योंकि चिकित्सा में हम लोग थोड़ा पीछे हैं भाई, ये चू जाने में लखनऊ जाने में उतने में ही हम लोग के आधे मरीज जो है। वही पूर्व मंत्री और सपा नेता नारद राय ने हाल में जो शिशु मंदिर की जांच पर टिप्पणी की थी उस पर भी दयाशंकर ने जवाब दिया और कहा कि नारद राय के घर के बगल में शिशु मंदिर चलता है, थोड़ा पहले वहां जाकर देख लें। देखिए माननीय नारद राय जी के घर के बगल में शिशु मंदिर चलता है, थोड़ा जाके शिशु मंदिर में देखें, हैं कभी शायद जाने की उनको ये नहीं हुआ होगा कि वो अपने घर के बगल में कभी शिशु मंदिर में जाएं। और आज बलिया में शिक्षा जगत में जो नागाजी शिशु मंदिर का एक अपना अलग एक जो है महत्व है, यहाँ हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा शिशु मंदिर में पढ़े, लेकिन हम लोग को एक प्रवेश तक नहीं करा पाते हैं, वो भी नहीं करा पाए होंगे कभी, तो कम से कम उससे शिक्षा लें वो, और ऐसी शिक्षा यदि सब जगह प्राप्त होने लगेगी तो ये बलिया का ही नहीं पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे जो चल रहे थे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? देखिए मोदी जी और योगी जी की सरकार में न किसी का वर्चस्व है और न किसी की अपेक्षा है, सबका साथ सबका विकास इसके आधार पर हम सरकार चल रही है, इसलिए ये वो लोग कहते हैं कि जो किसी जाति विशेष मजहब विशेष क्षेत्र विशेष के लिए काम करते थे वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। योगी और मोदी जी की सरकार में किसी के लिए न कोई विशेषता है और न किसी की कोई उपेक्षा है। वही नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि हम लोग सवा पखवाड़े के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए मोदी जी का जन्मदिन हम लोग एक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा करने के लिए मना रहे हैं,
कि जहाँ पर अभी जो चीज़ें नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग औरों की तरह जश्न में हजारों करोड़ रुपया करके सिनेमा जगत के लोगों के नृत्य नहीं करा रहे हैं। हम लोग जो है समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अभी अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको क्या चाहिए, हमारे जो बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं उनको क्या चाहिए, मोदी जी के हम लोग जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में मैंने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक कि गरीबों की सेवा में अपने को पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश और प्रदेश की जनता वो लगी हुई है कि उनको कैसे उद्धार किया जाए। कोई मनोरंजन के लिए कार्य नहीं हो रहा है, ये सेवा का काम हो रहा है। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।